हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज चैनल गेमिंग पैशन। आज के इस नई वीडियो में हम आपके रहे हैं क्लॉक कंट्रोल थ्री फिंगर वाले। तो दोस्तों, इस क्लॉक कंट्रोल को सिर्फ और सिर्फ प्रो प्लेयर्स यूज़ करते हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम 2 दिन या 4 दिन में सीख जाओगे। गारंटी है कि कम से कम इसको परफेक्टली सीखने में तुम्हें 15 से 20 दिन लग ठीक है, जाएंगे। हमेशा दूसरे सर्वर्स में जाके खेलना, आर्केड मोड ट्राई करना। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सेटिंग्स क्या रहेंगे। जो यूजुअली प्रो प्लेयर्स होते हैं वो आईपैड वगैरह और बड़े महंगे महंगे फ़ोन्स यूज़ करते हैं जिनका स्क्रीन साइज़ बड़ा होता है, तो सेम टू सेम हम लोग वहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते। बट हम आपको ये बताएंगे तरीका जिसमें कि हम वो नॉर्मल फ़ोन्स में करते हैं। जैसे कि मैं अभी जियोनी A1 यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 4 GB रैम है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी खुद मैं क्राउन में हूँ, ये आप देख सकते हैं, क्राउन 4। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स। सबसे पहले सेटिंग्स में जाने हैं, फिर कंट्रोल्स। कंट्रोल्स पर क्लिक करने के साथ साथ आपको ये ऑप्शंस आ जाएंगे। नंबर 3 पे आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बेस्ट लगा अपने फ़ोन्स के लिए, हमारे छोटे स्क्रीन साइज़ के फ़ोन्स के लिए, 5.5 से 6 इंच वालों के लिए। कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, जो आपका बटन फायर बटन है उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, और बाकी जो पर्सनल यूज़ वाले बटन है अकॉर्डिंगली बड़े करने हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। मैप का साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट हो, और बाकी सब चीज़ें अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। पीक बटन देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, और स्प्रिंट का जो ऑप्शन है उसे मैंने मीडियम साइज़ रखा हुआ है, वो पूरा लंबा नहीं है जितना यूजुअली होता है। तो इस तरह से सेटिंग्स सेव कर लीजिए और एग्ज़िट। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ जादू आर्केड मोड में, वॉर मोड का। तो ये देखिए, सबसे बड़ा फायदा यही होता है। ये देखिए, ये बंदा कितने प्यार से स्मार्टली। ओके, वो मर चुका है। ये देखिए, एक बंदा वहां पर उतरा है, आई थिंक वो ऑफलाइन है इस वजह से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें हम लोग स्नाइपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। अभी मैं देख रहा हूँ वही कितने बंदे यहाँ पर उतर रहे हैं, क्योंकि उनको मारने में बहुत मज़ा आने वाला है। वो देखिए, एक बंदा उतरा है और वहाँ पर सो गया वो। चलिए बढ़िया, ये बंदा भी डाउन है। और ये तो काफ़ी हिल रहा है, इसको मारने में काफ़ी परेशानी होने वाला है। अच्छा, एक उसका किल मैंने चुरा लिया, दैट्स बेनिफिशियल फॉर मी। बंदा है कहाँ, दिख जाए तब तो। हाँ, दिख गया, दैट्स माई गाय। आजा भाई, रिवाइव कर दूँ। हाँ 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 दैट्स टू गुड। ओह, दैट्स टू गुड, लेट्स गो। काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये क्लॉक कंट्रोल जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप नोटिस कर पाओ तो। अभी तक मैंने इतने बंदों को नॉकआउट कर दिया है। हो भाई, ये बंदा तो क्या। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ओह मैन,
टोटल 9 किल्स हुए स्नाइपर राइफल से। तो देखा आपने कि मेरा गेम लोड भी नहीं हुआ था फिर भी मैं उसे मारने में। दोस्तों आपने अभी देखा कि मेरे मूव और फायर दोनों एक साथ करने की वजह से मैं अभी सरवाइव कर सका, वरना मैं तो सरवाइव बिल्कुल नहीं करने वाला था। दोस्तों दोस्तों ये वाला किल जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लॉ कंट्रोल की वजह से मिला, क्योंकि जब मैं फायर कर रहा था तो मैं एक फिंगर से फायर कर रहा था, दूसरे वाले से अपने स्प्रे को मूव करने से बचा रहा था ताकि मेरा जो पॉइंटर है वो अपनी जगह पे मेंटेन रहे और मैं खुद अपने जगह पर भी खड़े रहूं। तो जैसा कि आपने ये सिचुएशन देख ही लिया है, तो इस सिचुएशन को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्लॉक कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है और वो क्या क्या डिफरेंस ला सकता है। दोस्तों ये वाला जो सिचुएशन है इसमें भी मैंने क्लॉक कंट्रोल का ही यूज़ किया था, मूव एंड फायर साथ में किया ताकि मैं ये सर्वाइव कर चुका और सामने वाले को मार।